Currently, the window of opportunities between 12th to 19th of July. ISRO एक बार फिर रचने वाला है नया इतिहास. Currently, the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. 13 जुलाई को उड़ान भरेगा भारत का चंद्रयान 3. We have completed the testing. We are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. दोस्तों, अब हमारा इसरो इस बात को साबित कर देगा कि अंतरिक्ष में नासा या फिर चीन की स्पेस एजेंसी नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो असली बिग बॉस बनने वाला है. क्योंकि भारत इस बार जो कुछ करने जा रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है. इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लेकर के अब सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ चुकी है जो करोड़ों भारतीयों को बाग बाग करने वाली है. ठीक से कहूं तो चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. खुद इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान तैयार हो चुका है, रॉकेट की असेंबली स्टार्ट हो चुकी है और इसरो ने मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. यानी दोस्तों, अब जुलाई का महीना कुछ नया इतिहास बनते देखने वाला है. तो आखिर दोस्तों, इसरो इस बार ऐसा क्या करने वाला है कि चीन और रूस छोड़िए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी टकटकी लगा करके देखने लगी है. आखिर इस बार भारत के 5 पांडव चांद पर जाकर के ऐसा क्या करने वाले हैं कि भारत मालामाल होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं. और खुद इसरो चीफ ने ऐसा क्या कहा है कि आपको जरूर सुनना चाहिए. लिहाजा दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 को डिकोड करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भारत अब सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ चुका है. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket. And we'll go for the launch campaign. But currently, the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment. That's called the payload fairing. Currently, the window of opportunities between 12th to 19th of July. दोस्तों, इसरो 13 जुलाई को दोपहर 2:30 पर रॉकेट फायर करने वाला है और इसके अंदर होगा भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3. इसरो चीफ ने खुद चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने पर है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी कामयाबी होगा. इस मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियां फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं, टेस्ट सफल हो चुके हैं और दोस्तों, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा. इसकी लॉन्च का विंडो 19 जुलाई तक का है. यानी कि दोस्तों, 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच, यानी दिक्कतें आई तो इन 7 दिनों के भीतर किसी भी दिन इसकी लॉन्चिंग हो सकती है. सारी टेस्टिंग सफल हो चुकी है, पेलोड्स लगा दिए गए हैं. इसरो चीफ ने इस बारे में जानकारी दी है कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो कुछ हुआ वो इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बहुत तगड़ा बदलाव कर दिया गया है. यानी दोस्तों, चंद्रयान 2 वाली गलतियां इस बार इसरो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है. दोस्तों, लास्ट टाइम फेल्योर की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चंद्रयान 2 के एल्गोरिदम के अंदर गड़बड़ी थी, जिनको इसरो ने डिटेक्ट करके चंद्रयान 3 में बिल्कुल से ठीक कर दिया है. चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बना दिया गया है. चंद्रयान 3 मिशन में इसरो केवल लैंडर और विक्रम रोवर को ही भेज रहा है, जबकि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर रोवर का संपर्क जोड़ दिया जाएगा. दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक हैं. सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कामों में मदद करने वाले हैं. लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चंद्रयान 3 मिशन आखिर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों भारत इसके ऊपर 600 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और क्यों भारत अब इसके ऊपर पूरी तरह से टकटकी लगा करके देख रहा है? तो दोस्तों, ये मिशन पूरा हो जाने के बाद भारत दुनिया में पहली बार ये साबित कर देगा कि वो किसी से कम नहीं है. हमारा भारत किसी से भी कम नहीं रहने वाला है. अपने मूल मिशन यानी चंद्रयान के साथ इसरो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक दुनिया के केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं. ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन. इसके बाद भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा. तो वहीं दोस्तों, इसरो की माने तो उनका ये मिशन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए चांद की उस जगह को चुना गया है जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, यानी चांद का दक्षिणी ध्रुव, जिसका मकसद चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना है. दोस्तों, कहा जाता है कि यहां पर ही हीलियम 3 का खजाना छिपा हुआ है जिस पर इसरो की पूरी निगाह है.
अब इसरो ऐसी खोज कर लेना चाहता है जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा हो सके। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है। इसमें इसरो सबसे सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की स्वदेशी तकनीक को दुनिया के सामने दिखा देना चाहता है। इसके अंदर ऐसे यंत्र लगे हैं जो रोशनी और खनिजों की हीट के आधार पर चंद्रमा की स्टडी करेंगे। दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर भारत ने इस बार 5 ऐसे पांडव भेजे हैं जो चंद्रमा पर जाकर के धमाल मचाने वाले हैं। इनमें सबसे खास है चंद्र इंटरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CESTE, जो चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी तापमान की स्टडी करेगा। वहीं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA चांद की सतह पर भूकंपों की जानकारी को जमा करेगा। लैंडर में लगा लैंगमुइर प्रोब चांद पर प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने जाने वाले अंतर की जांच करेगा। इसके अलावा दोस्तों नासा की ओर से इसमें पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगाया गया है जो चांद की सतह पर लेजर के जरिए रेजिंग स्टडी करेगा। वहीं रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया हुआ है। ये दोनों मिलकर के लैंडिंग साइट के आसपास के खनिजों, मिट्टी और उसके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस बार चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग के लिए खास तकनीक को यूज किया गया है। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति और पत्थरों से लैंडर को बचाने में खास तरह के सेंसर्स को यूज किया गया है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने लग जाएगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते पूरे के पूरे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। दोस्तों इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर के कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से ही उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए सतह पर गिरा था। इसरो साइंटिस्ट चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क फिलहाल बना रहे। चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं बल्कि 4 ही थ्रोटल इंजन लगे होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन लगे थे, जिसमें एक में गड़बड़ी की वजह से लैंडिंग बिगड़ गया था। दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी LDV लगाए जाने की भी खबर है। इसमें लैंडिंग ज्यादा आसान हो जाएगी, लिहाजा ये सूचनाएं ऑर्बिटर जमा करता रहेगा और वो इसे धरती पर रिले करेगा। दोस्तों इसरो अपने चंद्रयान मिशन के जरिए ये पता लगा चुका है कि चांद पर पानी भी है और वहां पर कई तरह के मिनरल्स भी मौजूद हैं, और अब इसरो की कोशिश है कि वो चांद के ऊपर हीलियम-3 जैसे खजाने को भी खोज ले। चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर को उतारना है, लिहाजा इससे चंद्रमा की सतह पर भारत नए नए परीक्षण कर सके और इससे भारत को चंद्रमा की सतह को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलने वाली है। दोस्तों हमें भी उम्मीद है कि इसरो इस बार बाकी तमाम देशों को पछाड़ करके इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत का ये चंद्रयान 3 मिशन कैसे सफल होगा और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने कमेंट आप जरूर करिए और बताइए कि भारत का इसरो क्या कुछ अच्छे तरीके से कर सकता है।